दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए इसके नोट्स को तैयार करके लाया हूं, तो चाहिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट्स कहता है वनों से क्या लाभ है। तो देखिए कि जो जंगल है उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। तो अगर जंगल के लाभ की प्राप्त की जाए बात की जाए तो पहला तो है कि डाई मिलता है हमें, दूसरी बात है इमारती लकड़ियाँ मिलती है, जंगलों से हमें दवाइयाँ मिलती है, मसाले मिलते हैं, शहद चाय और कॉफ़ी भी जंगलों से ही प्राप्त होता है, गोंद जंगलों से प्राप्त होता है, रबर जंगलों से प्राप्त होता है और धर्म शोधक भी जंगलों से ही प्राप्त होता है। अगर धर्म शोधक की बात की जाए तो धर्म शोधक जो आप पूजा पाठ में उपयोग करते हैं कुछ लकड़ियों का, उसे हम धर्म शोधक के नाम से जानते हैं। तो जंगलों से हमें ये सारी चीज़ें लाभ प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वन उन्मूलन क्या है। तो देखिए वन उन्मूलन क्या है, वृक्षों के बृहद पैमाने पर कटाई वन उन्मूलन कहलाता है। यदि आप लकड़ियों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, जंगलों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, तो इसे हम वन उन्मूलन कहते हैं। औपनिवेश काल में वनोन्मूलन की प्रक्रिया व्यापक तथा और भी व्यवस्थित हो गई है। 1700 ईस्वी में और 1995 के बीच की अगर बात की जाए तो लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल को विभिन्न उपयोगों की वजह से काट के साफ कर दिया गया है। देखिए एक बहुत बड़ी जंगल की कटाई है जो 1700 से लेके 1995 के बीच के सर्वे को बताता है कि लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर के जंगल को साफ कर दिया गया था। आइए हम इसके अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है वनोन्मूलन के कारण, अब ये इतने जो लकड़ियाँ काटी जा रही है या फिर जंगलों को साफ किया जा रहा है वो आखिर क्यों किया जा रहा है, तो वो होता है ईंधन के लिए। लकड़ी जो काटा जाता है वो जलावन के लिए काटा जा रहा है। इसके बाद है व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जिससे बिजनेस हो सके उस प्रकार के खेती को करने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। आगे है खेती योग्य भूमि बढ़ती आवश्यकता। देखिए अब जैसे कि हमारे यहाँ जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए और इस कारण से जंगलों को काटकर खेती वाली आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। वैज्ञानिक वन की, इसके बाद है रोपण कृषि जैसे चाय कॉफ़ी रबर इत्यादियों के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। और सबसे बड़ा बात जो है वो रेलवे लाइन के निर्माण में स्लीपरों के प्रयोग हेतु काफ़ी जंगलों को काटा जाता है। खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता के कारण जंगलों को काटा जाता है। शहद चाय और कॉफ़ी जैसे चीज़ों की ज़रूरत पूरा करने के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। ये वो कारण है जिसके कारण लंबे समय से जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती आ रही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है भारत में वन विनाश के क्या कारण है। यदि भारत की बात की जाए तो इसमें जंगलों के ख़त्म होने के क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण वो है बढ़ती आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण पेड़ बहुत जल्दी काटा जा रहा है। रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, रेलवे में लकड़ियों का उपयोग होता है, इसलिए भी भारत में वन का विनाश होता है। यूरोप में चाय कॉफ़ी और रबर की मांग को पूरा करने के लिए हम अपने जंगलों को डेली काटते हैं और उनसे इन सब चीज़ों की खेती उपजाते हैं ताकि इन सब चीज़ों को बेचकर यूरोपीय देश से हमारे पास पैसा आ सके और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इस कारण से भी भारत में विनाश हो रहा है वनों का। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला वन महानिर्देशक क्या था। देखिए डाइट्रिच बैंडिस को भारत का पहला वन महानिर्देशक बनाया गया था। ये अंग्रेजों के समय की बात है जब जंगलों पर कानून बनाए जाने के लिए और उन्हें पालन करने के लिए डाइट्रिच बैंडिस को भारत का पहला वन महानिर्देशक बनाया गया था। भारतीय वन सेवा क्या है। देखिए भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसे लागू किया था हमारे भारतीयों पे और इसमें इन्होंने जंगल के वन सेवा जैसी चीज़ों को विस्तारित किया था। वन अधिनियम क्या है। देखिए अब जंगल से जुड़े हुए कानून के बारे में बात करेंगे। 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया और वो 1878 में वन अधिनियम के द्वारा जंगल को 3 श्रेणी में बांट दिया गया। मतलब जितने भी जंगल थे उन्हें 3 अलग अलग प्रकार के श्रेणी में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित, दूसरा था सुरक्षित और तीसरा था ग्रामीण। यही वो 3 कैटेगरी है जिसमें वन अधिनियम के माध्यम से सारे जंगलों को बांट दिया गया था।
सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया, जहां से ग्रामीण अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकते थे। मतलब जितने भी अच्छे जंगल थे उन्हें आरक्षित वन कहा गया, जहां से कोई भी इंसान कुछ भी नहीं ले जा सकता था। दूसरा था मकान बनाने के लिए या ईंधन के लिए वह सिर्फ सुरक्षित या ग्रामीण वन से ही लकड़ियाँ ले सकते थे, वह भी अनुमति लेकर। मतलब अगर वो अपने घर के लिए चूल्हा जलाने के लिए अगर लकड़ी चाहते हैं या फिर अपने मवेशियों के लिए चारा चाहते हैं तो वो सिर्फ सुरक्षित और ग्रामीण जो कैटेगरी थी उससे ही लकड़ियाँ ले सकते थे, और वो भी उन्हें अंग्रेज़ों से उस समय अनुमति लेना पड़ता था। नेक्स्ट कहता है वैज्ञानिक वानिकी क्या है, तो देखिए 1906 ईस्वी में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहां वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसी पद्धति थी जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई कर उसके स्थान पर कतारबद्ध तरीकों से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन आज यह पद्धति पूर्णतः अवैज्ञानिक सिद्ध हो गई है। देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने में भी 1906 में यदि कोई पेड़ पौधे काटे जाते थे तो उनके जगह पर दूसरे पेड़ एक ही तरह के एक लाइन से वहाँ पे लगाए जाते थे, लेकिन आज के समय में हम इतने निरक्षर हो गए हैं, इतने बेवकूफ़ बन चुके हैं कि पेड़ पौधों की कटाई तो करते हैं लेकिन उनके जगह पर किसी दूसरे पेड़ पौधे को नहीं लगाते हैं। तो वैज्ञानिक वानिकी यही था। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, वन कानूनों का प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए वन कानून बना, जब अधिनियम लगा, तो उसके बाद लकड़ी काटना, पशुचारण, कंदमूल इकट्ठा करना आदि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो भी व्यक्ति उस समय जंगलों से, पेड़ पौधों से, पशुचारण मतलब कि अपने चारों को अपने माल मवेशियों के लिए चारे का जुगाड़ करते थे या फिर फल फूल लाते थे, ये सब गैर कानूनी हो गया। अब उन्हें इन सब चीज़ों के लिए मना कर दिया गया। दूसरा था वन रक्षकों की मनमानी बढ़ गई। जो भी वहाँ पे गार्ड तैनात किए गए, फॉरेस्ट ऑफिसर तैनात किए गए, वो अपने मन मुताबिक काम करते थे। घुमंतु खेती पर रोक लगा दिया गया, मतलब घूम घूम कर खेती करने वाले पर रोक लग गया। घुमंतु चरवाहों की आवाजाही पर रोक लग गया। जलावनी लकड़ी को एकत्रित करने वाले महिलाओं को असुरक्षित हो गए। रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वन रक्षकों की दया पर निर्भर होना पड़ा, मतलब जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनसे भीख मांग के अपना गुजारा करते थे। जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों को जंगल से बेदखल होना पड़ा, जिससे उनके सामने जीविका की संकट हो गई। देखिए उस समय क्या था कि बहुत सारे लोग जंगलों में ही रहते थे, जिन्हें हम आदिवासी समुदाय के नाम से जानते थे। जब जंगलों में इस प्रकार के कानून आ गए तो उन्हें जंगल से निकाल दिया गया, और जो लोग हमेशा से जंगलों में ही रहा करते थे, अपना पेट, पशु और उन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वो जंगलों पर ही निर्भर थे, अचानक से उन्हें जब जंगल से निकाल दिया गया तो उन्हें पेट मतलब भोजन करने की भी आफत हो गई, उनके सामने जीविका की संकट उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट कहता है वन समाज एवं उपनिवेशवाद। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1795 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल जैसे कि खेती बाड़ी, ईंधन की लकड़ियों के लिए साफ कर दिया गया, काट दिया गया। मतलब 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 वर्ग लाख किलोमीटर के जंगलों को साफ कर दिया गया था। देखिए अब ज़मीन की बेहतरी के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें कि सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, लेकिन अगर हम बात करें अभी की तो यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि हमारी ज़मीन तो दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ रही है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो उनके भोजन की समस्या तो उत्पन्न होगी, इसलिए जंगलों को काटकर खेती वाले ज़मीन में कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है किसानों को जंगलों को साफ करने की खेती की सीमाओं का विस्तार करना पड़ा, और औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाव आया। इसके बहुत सारी वजह थी, जैसे अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, कपास उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। अंग्रेज वैसी खेती को जमकर प्रोत्साहित करते थे जिनसे उनको अधिक लाभ होता था, जैसे में पटसन, गन्ना, कपास और उत्पादन जैसी चीज़ों से उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होता होगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने भारत के किसानों को नील की खेती करने के लिए काफ़ी मजबूर किया था। नील एक ऐसी खेती हुआ करती थी
जिससे किसानों की भूमि जो है वो बंजर हो जाती थी। मतलब दो तीन फसल उगाने के बाद किसानों की फसल जो है वो आगे उगना बंद हो जाता था, वो बंजर हो जाता था। लेकिन इससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ था, इसलिए वो बाध्य करते थे, मजबूर करते थे हमारे भारतीय किसानों को कि आप नील की खेती करो। और नील के बारे में आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय समाज में व्हाइट कपड़ों के अंदर हल्का नीलापन ज़्यादा बेहतर लगता है, उसी को हम नील कहते हैं। आपने उजाला का नाम सुना होगा, ऐसे ही बहुत सारे नील हैं जो उस समय खेती में उपयोग में लाए जाते थे। आगे है पटरी एवं स्लीपर। देखिए पटरी एवं स्लीपर वही रेल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आने जाने के लिए और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें बहुत ज़रूरी थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधनों के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेज़ी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1850 के दशक में जब रेल लाइनों का प्रसार हुआ, जब रेल लाइन बिछनी शुरू हो गई, उस समय लकड़ियों का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, क्योंकि उस समय रेलवे को चलाने के लिए ईंधन के रूप में और पटरियों को एक जगह से दूसरी जगह तक जोड़ कर रखने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता थी। इस कारण से इस समय लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई हुई। पटरी से स्लीपर में कुछ पॉइंट और है। 1946 में इन लाइनों की लंबाई लगभग 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ पेड़ों की भी बहुत बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था। अगर हम बात करें अकेले मद्रास की, तो प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काट दिए गए। सरकार की आवश्यकता की मात्रा की पूर्ति के लिए निजी ठेके भी दिए, मतलब वहाँ के निजी लोगों को ही बोला कि अंधाधुंध पेड़ काटिए और हमें दीजिए, इससे हमें आगे रेल लाइन बिछाने में मदद मिलेगी। इस कारण से बहुत अधिक मात्रा में उस समय पेड़ काटा गया। अगला पॉइंट कहता है, इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के आसपास जंगल तेजी से गायब होने लगे। जब काम निजी ठेकेदारों को दे दिया गया तो उन्होंने अंधाधुंध पेड़ काटना शुरू कर दिया, मतलब जरूरत है तब भी, जरूरत नहीं है तब भी। अब देखिए जब निजी ठेकेदारों के हाथ में यही सब चीज़ें गई तो उन्होंने पेड़ काट कर उसका मतलब उपयोग के अलावा बेचना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, अपने निजी कामों के लिए शुरू कर दिया और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने लगे। अगला पॉइंट कहता है बागान। देखिए यूरोप में चाय और कॉफ़ी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों की एक भारी हिस्सा को साफ किया गया। जो यूरोप है, जो यूरोप के लोग थे, उन्हें चाय कॉफ़ी की लत थी और वो हमारे भारत से ही मिल सकता था। इसलिए उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे जंगलों को साफ करके उसमें बागान लगाया, जिसमें उन्होंने चाय और कॉफ़ी की खेती करवाई। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों में यूरोपीय बागान मालिक को सौंप दिया, ताकि वो लोग इसमें चाय और कॉफी की खेती कर सके और अपने यूरोपियन मार्केट में बेच सके। आगे का पॉइंट है कि व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। बेंडिस नामक के एक जर्मन विशेषज्ञ थे, उन्होंने यह महसूस कराया कि लोगों की वन का संरक्षण जरूरी है और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, वन संपदा का उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगा रखकर जंगल की लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र में पेड़ काटने वाले को सजा का भागी बनाना होगा, अलग अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, जिसे हम बागान के नाम से जानते हैं। देखिए बेंडिस जो थे वो जर्मन के एक विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर पेड़ काटी गई तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। उन्होंने कई प्रकार के और बातों को मंजूरी दिलवाई, जिससे यहाँ के पेड़ पौधों को काटकर बागानों का निर्माण करवाया गया। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? देखिए जब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कटने लगे तो इससे आम आदमियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आइए देखते हैं। जहाँ पर एक तरफ ग्रामीण अपने अलग अलग ज़रूरत जैसे ईंधन, चारे, पत्ते के लिए जंगल में अलग अलग प्रजातियों के पेड़ चाहते थे, वहीं इसमें अलग अलग वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे की इमारतों के लिए मुहैया करा जा सके।
ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसलिए सागवान और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरे किस्म के पेड़ पौधों को काट दिया गया। जंगल वाले इलाका में लोग कंदमूल, फल, फूल, पत्ते आदि वन उत्पादों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। इस तरह से वहाँ के आम जो लोग थे उनका जीवन बहुत प्रभावित हुआ। दवाओं के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में और लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। ये तो पुराने समय से ही होता है। हमारा जो संस्कृति है इसमें हम अगर देखें तो जंगल के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम जंगल के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि जंगल से हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, लकड़ियाँ प्राप्त होती है। हल के रूप में खेती वाले औजार बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता था, ये उस समय होता था। बांस की टोकरी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो इन वन अधिनियम के चलते देश में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि गांव वाले तो इन्हीं जंगलों पर निर्भर थे। और जब उसके नियम बदल गए तो उन्हें बहुत सारी समस्या होने लगी। चारा का समस्या था, रोजमर्रा की गतिविधियाँ का समस्या था, ये सब गैर कानूनी बन गया। क्योंकि अगर वो जंगल में जाते तो उन्हें मारपीट होता, उनके साथ उनको जुर्माना होना पड़ता और उनको जेल में भी डाल दिया जाता। उनके पास जंगलों की लकड़ियाँ चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। देखिए, जब सही तरीके से उन्हें जंगल की लकड़ियाँ नहीं प्राप्त हो रही थी तो उन्होंने प्लान बनाया, क्यों नहीं इसे हम अब चोरी करके रखें। पकड़े जाने की स्थिति में उन्हें वन रक्षक को दया पर होते थे, उन्हें घूस ऐंठते थे। अगर पकड़े जाते थे तो वन रक्षक जो है या तो उन्हें मारते पीटते थे या फिर पैसे लेके उन्हें छोड़ दिया करते थे। तो इस तरह से लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित हुआ। अब देखिए, शिकार की आज़ादी के बारे में जानते हैं। जंगल संबंधी नए कानून ने जंगल वासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। जंगल कानूनों से पहले जंगलों में या उनके आसपास जितने भी लोग रहते थे वो लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार को अपना जीवन यापन करते थे। भोजन के रूप में इन्हीं चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ एक प्रारंभिक प्रथा अब गैरकानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। हालांकि शिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी, परंतु अंग्रेज अफसरों व नवाबों को अभी भी ये छूट मिली हुई थी। मतलब आम हमारे भारतीय लोगों को कुत्ता समझा जाता था, उनके लिए ये सारी पाबंदियाँ थी। लेकिन वही अंग्रेज और उस समय के जो नवाब थे उन्हें शिकार करने की पूरी छूट थी। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी और वो खुलकर हिरण, तीतर इत्यादियों का शिकार करते थे। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघों को मार डाला था। ये शिकार मनोरंजन के साथ साथ अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए की जाती थी। देखिए, जिस आज बाघ के संरक्षण में हमारा पूरा देश बेचैन है, उस समय अकेले एक हरामखोर अंग्रेज ने 400 बाघों को मार डाला था और वो अपनी प्रभुता मतलब अपनी शक्ति को दर्शाने की कोशिश करता था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, वन विद्रोह के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत कर दी। देखिए, जब आम आदमी जो जनता है उसके ऊपर आप किसी प्रकार के जबरदस्ती या फिर आप हमारी संस्कृति के साथ खेलेंगे तो कोई आम इंसान चुप नहीं रहेगा। और ये चुप्पी आगे चलकर बगावत में बदल गई और वो उस समय के अंग्रेजी अधिनियम के खिलाफ हो गए। नेक्स्ट है बस्तर के लोग। देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी के बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती है। बस्तर में मरिया और मुड़िया, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये सब आदिवासी समुदाय का नाम है, वहाँ क्या नाम है वो देख लीजिए, मरिया, मुड़िया, भतरा, अलवा आदि ये जो हैं वो समुदाय के लोग होते थे। अलग अलग जवाने बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक ही जैसा था। बस्तर के लोग हर एक गांव में उसकी ज़मीन धरती माँ की तरह मानते थे और धरती के अलावा वो नदी, जंगल, पहाड़ को आत्मा की तरह मानते थे। एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेना चाहते थे तो इसके बदले में वो एक छोटा सा शुल्क अदा करना पड़ता था, जो उस समय के अंग्रेजी अधिनियम के हिसाब से बनाया गया था। नेक्स्ट है कि बस्तर के लोग कुछ गांव अपने जंगलों के हिफाजत के लिए चौकीदार रखते थे, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था जहां एक गांव के समूह गांव के मुखिया जुड़ते थे और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा करते थे। आप लोगों ने सिनेमा देखा होगा कई सारा, जिसमें जंगल के जो सरदार होते हैं उनका एक उस समय वो लगता था मेला, मतलब कि वो लोग एक मीटिंग करते थे। मीटिंग के दौरान वो अपने जंगलों में होने वाले सभी प्रकार के परेशानियों के बारे में बात करते थे, वहाँ से लोगों के बारे में बात करते थे कि क्या समस्या है आपकी,
इस प्रकार से बस्तर के लोगों का जीवन यापन चल रहा था। आगे है ब्लैंग डोंग डियनस्टेन। देखिए, डचों ने पहले जो था वो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया। जो जंगल के खेती थी उस पर अगर आप खेती करते तो आपको टैक्स देना पड़ता, वो भी डचों को। बाद में कुछ गांव को इस शर्तों पर मुफ्त कर दिया गया कि वो सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध काटने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंग डोंग डियनस्टेन कहा गया। देखिए, पहले तो अंग्रेजों ने इस खेत पर टैक्स लगा दिया कि यदि आप इस खेत पर खेती करना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कुछ गांव को इसलिए मुफ्त कर दिया क्योंकि वो उनके बैल भैंस के माध्यम से जंगलों की लकड़ी कटवाई करते थे और उसे ढुलवाने का काम करते थे। आगे है जावा के जंगलों में हुए बदलाव। देखिए, जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, जो जावा है। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय लगे वहाँ पर मौजूद थे। तो ये थे जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में। जावा के जो लकड़हारे थे उनके कौशल के बगैर सौगान की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। सबसे पहली बात जो है वो जावा के लकड़हारों की करते हैं। तो जावा के जो लकड़हारे थे उन्हें सागवान जैसे पेड़ को काटने के महारत हासिल था। वो अच्छे तरीके से इस पेड़ को काटते थे और उसके बाद राजाओं के महल बनाने में उनकी मदद करते थे। डचों ने जब 18वीं सदी में जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया तब इन्होंने भी कोशिश की कि किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया जाए, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया था, मतलब शांत कर दिया गया था। जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद क्या हुआ, आइए हम उसके बारे में बताते हैं। ग्रामीणों का वनों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। वनों में लकड़ियों की कटाई कुछ विशेष कार्य जैसे नाव बनाने या घन बनाने के लिए किया जा सकता था, वह भी विशेष वनों की निगरानी में किया जाता था। मवेशियों के चारण परमिट के बिना लकड़ियों की ढुलाई, वन के अंदर घोड़गाड़ी या मवेशी पर यात्रा करने पर दंड देना पड़ता था। ये सारी चीज़ें वहाँ के डचों के लिए भी डचों ने बना दिया जावा के आदिवासियों के लिए। अब देखिए, सामिनो विद्रोह क्या है उसके बारे में जानते हैं। डचों के इस कानून के खिलाफ सामिनो ने विद्रोह किया। यह एक प्रकार का आदिवासी जाति था। सुरतिको सामीन के इस विद्रोह के नेतृत्व किया, जिनका मत था कि जब राज्य में ने हवा पानी धरती या जंगल नहीं बनाए तो उस पर कर भी नहीं लगा सकते। देखिए, सुरतिको का कहना था कि जब डच हो या राज्य हो या कोई नवाब हो, उन्होंने न हवा बनाया, न पानी बनाया, न धरती बनाया, न जंगल बनाया, तो इस पर उन्हें किसी भी प्रकार के टैक्स लेने का भी अधिकार नहीं है, जिसे हम सामिनो विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विद्रोह के तरीकों में क्या था। देखिए, सर्वेक्षण करने आए डचों के सामने जमीनों पर लेटना, ये था उनके विद्रोह करने का तरीका। मतलब जैसे ही सर्वेक्षण करने कोई अंग्रेज ऑफिसर आते थे तो उनके सामने ये जमीन पे लेट जाते थे। लगान या जुर्माना नहीं भरते थे। बेगार से डंकार करना, इनकार करना। देखिए, बेगार से इनकार करना मतलब काम वाम पे नहीं जाते थे। जावा पर जापानियों ने ठीक पहले डचों को भस्म कर भागो नीति के तहत सौगान और आरा मशीन के लट्ठे जला दिए ताकि वो जापानियों के हाथ न पड़े। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य कर अपने युद्ध उद्योगों के लिए निर्मम दोहन भी किया। ये था इनके विद्रोह करने का तरीका। देखिए, इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो मैंने आप सभी को समझा दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको इसमें से दिए गए किसी भी पॉइंट को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट करने से हमें यह पता चल पाएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सही तरीके से समझ में नहीं आया है। फिर हम कोशिश करेंगे कि स्पेशल उन्हीं पॉइंटों पर आपके लिए वीडियो बनाया जाए। इसके अलावा यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आप अपने दोस्त मित्र और अन्य स्कूल के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।